इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। उन्नाव गंगा घाट अवैध तरीके से गरीबों को धमकाकर उनकी संपत्ति को अपने नाम लिखवाने व जान माल की धमकी देने वाले गैंगस्टर आरोपी सपा नेता की 1,10,80,000 रुपए की चल व अचल संपत्ति को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में SDM सदर CO सिटी की अगुवाई में जब्त कर ली गई है। जब्त की गई संपत्ति पर एक नज़र। SDM सदर अंकित शुक्ला ने बताया कि सपा नेता की नेतुआ सरोसी तहसील सदर के अंतर्गत भूमि संख्या 6509 पर भूमि संख्या जिसका क्षेत्रफल 0.023 हेक्टेयर कुल 230 वर्ग मीटर है, जिसकी कीमत 1,10,40,000 रुपए व एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 40,000 रुपए है जब्त की गई है। सपा नेता के खिलाफ दर्ज है 22 मामले। क्षेत्र अधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि सपा नेता सुरेश पाल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कुल 42 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है, जिसमें सबसे अधिक 16 मामले कानपुर चकेरी थाने में दर्ज है, जबकि गंगा घाट कोतवाली में 5 व सदर कोतवाली में 1 मामला पंजीकृत है। सुरेश पाल पुत्र बाबूलाल पाल निवासी देवरा कला थाना गंगा घाट, जिनके द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति संख्या 449/70 क्षेत्रफल 0.023 हेक्टेयर, जिनको श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय उन्नाव के आदेश अनुसार छूट की गई है और इसकी वर्तमान में कीमत 1,10,40,000। इस तरह के आपराधिक कृत्यों में जो भी संलिप्त होगा और उसके द्वारा आपराधिक कृत्य अर्जित जो भी संपत्ति बनाई जाएगी उनके खिलाफ भी इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।